अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे वाइटनिंग पे, वाइटनिंग पे और जो आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं उसके बारे में। अच्छा, ये है फेयर एंड पिंक क्रीम। ये जनाब आपकी स्किन को वाइटनिंग देती है, मॉइस्चराइज़र देती है। इस पर लिखा हुआ है स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये आपकी स्किन को वाइटनिंग देती है, ये आपकी स्किन वाइट करती है। इस पे स्किन फेयरनेस पे ग्लो क्रीम्स और सेफ है, इसके इफेक्ट्स कोई नहीं है। एज के लिए अच्छी है, एज स्पॉट्स के लिए, फ्रैकल्स के लिए, अनवन स्किन के लिए, और स्किन कलर को बेटर करती है। ये इसमें ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जो है इसका ये डर्मोटोलॉजिस्ट जो है ना रिकमेंड करती हैं। ये मेडिकल स्टोर से मिलती है और ये काफ़ी अच्छी क्रीम है। ये कलर वाकई ही फेयर करती है, बहुत अच्छा फेयर करती है कलर। लेकिन इसके साथ डॉक्टर्स बताते हैं कि आप ये हाई वेट क्रीम होती है ये जो मिक्स करके इसमें लगानी चाहिए। वैसे मुझे तो ये क्रीम हाई वेट जो है ये सूट नहीं की थी, इससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, तो मैं सिर्फ ये लगाती हूँ। ये इसके अप्लाई करने से ना एक मसला होता है कि स्किन ड्राई बहुत हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो आपको पता है स्किन ड्राई जो होती है वो तो बड़ा मसला करती है, उससे एजिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, रिंकल्स जल्दी आना शुरू होते हैं, लाफ लाइन। इसलिए बेहतर ये कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप दिन में कोई अच्छा, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाएं। बाकी ये वुमेन फॉर वुमेन और मेन के लिए भी है, और रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं। कलर इससे काफ़ी फेयर हो जाता है, स्किन टोन जो है बेटर हो जाती है इससे, और ये वाकई स्किन पे ग्लो भी देती है, वाइटनिंग भी देती है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि मैंने ये यूज़ की हुई है, फेयर एंड पिंक क्रीम। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सीरम्स की तरफ। सीरम आपको पता है कि आजकल बड़ा इन हुआ है और अच्छे भी होते हैं, काफ़ी यूज़ करने चाहिए। ये स्किन इसको इससे स्किन बहुत मॉइस्चराइज रहती है। ये है बायोनिक का सीरम है, सिल्वर सीरम है, वाइटनिंग सीरम है। ये वाइटनिंग के लिए है, ये भी जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज वाइटनिंग के बारे में, और ये तकरीबन आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ हुआ है। ये देखें, ये जो सीरम है ना, ये इसमें ना चांदी के वर्क होते हैं, ये तो अब तो ख़त्म हुआ हुआ है, ये देखें थोड़ा सा ना, लेकिन अच्छा है ये वाइटनिंग के लिए अच्छा है। आपकी स्किन को क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता ये आप को यूज़ करने के बाद ही पता चलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होता है कि नहीं, हमारी स्किन पे सूट करती ही करती हैं। जैसा कि ये पिंक एंड फेयर क्रीम है, फेयर एंड पिंक सॉरी, और ग्लो क्रीम, और ये एविलाइन का है कॉस्मेटाइज वाइट 4D, और ये लाइटनिंग सीरम है, बूस्टर है, डिस्कलरेशन है, सेंसिटिव फॉर सेंसिटिव स्किन के लिए है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके भी ना। ये तो ये देखें, ये मैंने काफ़ी सारे सीरम्स लिए हुए थे, एक रात मैं कोई यूज़ कर लेती थी, एक रात मैं कोई यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अब जो है ना मैं काफ़ी दिन से ये वाला सीरम यूज़ कर ली, एवेलाइन का। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके भी ना। ये भी वाइटनिंग के लिए लिया था मैंने, और डार्क स्पॉट्स के लिए लिया था। इसकी डिस्कलरेशन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये ना। ये तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 15 या 16 के अंडर लिया था, और ये इसकी जो प्राइस है, ये क्रीम है 700 की आई थिंक। सो जब मैंने ये लगाना शुरू की थी ना तब ये 500 की थी, हाँ अब ये देखें 690 की है, और ये मेरे ख्याल में 100 रुपीज़ की होगी इनका। ये 700 का है या 600 का, इसी उसमें है, प्राइस में है। लेकिन ये सब वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। ये वाली क्रीम भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये ड्राई कर देती है स्किन को। इसके साथ आपको मॉइस्चराइज देखिए, आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, मॉइस्चराइज़र आपको स्किन को फ़ायदा देता है, आपको स्किन को मॉइस्चराइज लाजमी करना चाहिए। कोई भी आप किसी भी किस्म का सीरम यूज़ करें, और पहले तो आप ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्किन जो है उसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज। आप ऑयली स्किन है अगर तो आप ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, ड्राई स्किन है तो ड्राई वाले करें मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, लेकिन मॉइस्चराइज़र यूज़ ज़रूर करें। उसके अलावा स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी, हाइड्रेट नहीं रहेगी, और एजिंग की ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप जो है वाइटनिंग के साथ साथ मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करें। इसके साथ ये क्रीम वाइटनिंग बहुत अच्छी है वाइटनिंग के लिए, लेकिन मॉइस्चराइज़र इसके साथ लाजमी लगाएं आप। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।